जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से इसका लाभ उतारने की कोशिश की गई, इसका लाभ यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा इसका लाभ गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग, अगले 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे, अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया,
योगी जी क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे। कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई, ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ है दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है? तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी दलित गरीब पिछड़े मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे, और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी, और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अंबेडकरवादी चिंतन के हैं। इसलिए साथियों, मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा, आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो
ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था। अब ये समाजवादी इसके साथ साथ लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं, बगल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप 5 साल इंतजार क्यों किए उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म जाती अत्याचार अन्याय हो रहा था, लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई, तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है, मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और CO नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। अब मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के SO हटाया गया और CO हटाया गया। गगहा गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ वाली रोड पर है। यानी 2 मौर्या मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 1-2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, 2 मौर्या, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया और 1 अज्ञात महिला की लाश, ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है, और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों दलितों पिछड़ों के लिए काम करेगी, लेकिन फिर वही कि जिन दलितों पिछड़ों गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं, उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया
कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबोध करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, बहन मायावती जी मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर एक पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। अब जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आवा, भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसके पीछे लाखों का हजूम हो, आज कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है, और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करने का निर्देश दिया है। इसीलिए आज केवल प्रमुख लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपका विक्रमाजीत मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा,
कालिदास विक्रमाजीत को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, ला मार्टेंडियर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूले आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है, टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये परिवर्तन लाने का शुभारंभ का दिन है, ये दलितों के सम्मान का दिवस है, ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है, ये गरीबों मजलूमों व्यापारियों के सम्मान का दिन है, और साथ ही साथ वो बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार में ठगे गए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से टाफी देकर के फुसलाने की कोशिश की गई। हमने कैबिनेट में भी आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध किया, हमने कहा जब सरकार पर कोई आर्थिक भार की कमी नहीं होती है, पूरा पैसा खर्च होता ही होता है, तो आउटसोर्सिंग को क्यों, सीधी भर्ती क्यों नहीं। अब वो बेरोजगार नौजवान नौकरी तो पाता है लेकिन वेतन कितना, मानदेय कितना मिलता है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, अब पैसा और कहां चला जाता है, बिचौलिए को। हमने बिचौलिए को खत्म करने के लिए कहा था, ये सरकार नहीं मानी, बाद में पता आखिर बिचौलियों को खत्म क्यों नहीं कर रही सरकार, पता लगा वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नए नए दांव चलते हैं लोग, अभी प्रतिवर्ष केंद्र में 30 और 32 आईएएस प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं, लिखित परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू पर। और उन 30-32 में एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर आप तो दुहाई देते हो हिंदू का, तो इन बेचारों को क्यों बाहर कर देते हो, इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और यही कारण है कि आप लगातार इनको अपमानित कर रहे हो, इनको सम्मान नहीं देते हो, और हिंदू की दुहाई देकर चंद लोगों को माल पुआ हलवा आईएएस की कुर्सी सब समर्पित, और करोड़ों करोड़ों की आबादी में यानी 85% आबादी वाला ये दलित अनुसूचित जात जनजात पिछड़ा वर्ग यह बेकार, और 8-10% लोग काबिल। इसलिए मैं इनके अंदर के चरित्र को उजागर करना चाहता हूं, और साथियों हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी कहते हैं कि मौर्या जी इतना विलंब क्यों किया, अरे भाई 5 साल के लिए जनादेश मिलता है
और 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जब 2022 के नए जनादेश की बारी आई है तब मैंने ताल ठोका है और ताल ही नहीं ठोका है, यह मैदान श्री मुलायम सिंह यादव का है। और हम लोगों का बीच में रास्ता भले अलग अलग हो गया हो, शुरुआती दौर में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ मैं भी प्रदेश का महामंत्री था। मैं उनका जो हम अखिलेश जी से पूछेंगे, नेताजी का कौन सा दौर सबसे मशहूर था? अब नेताजी चरखा दांव नहीं लगाएंगे, बल्कि अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दांव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटकनी देगा कि सबको इस साथियों मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, और मैं बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं आपके पास जितने दांव हो लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। इसीलिए आज मैं श्री अखिलेश यादव जी को और आप सभी लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना बधाई भी देता हूं। नए उल्लास, नए उत्साह, नए जोश के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमारे सभी नौजवान क्षेत्रों में जुड़ जाएं, 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने छोटे लघु मध्यम व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना मान करके आंख मूंद करके झूम करके उड़ देते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के शिकार होकर आज पूरे प्रदेश का व्यापारी चौराहे पर खड़ा हो गया है, बेचारा हो गया है, लाचारी हालत में हो गया है। इसलिए व्यापारियों से भी हम इस संग्राम में जुड़ने के लिए अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए सभी नौजवानों भाइयों साथियों को बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर इस अभियान को आगे भी गति देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत शुभकामनाएं।